नमस्कार, आपके साथ मैं हूं निधिवेश और आप देख रहे हैं जेजेएन न्यूज। तो चलिए, वक्त हो गया है उत्तराखंड बुलेटिन का, आइए शुरू कर लेते हैं पहली खबर से। उत्तरकाशी के लोंथरू गांव निवासी पर्वतारोही सविता कंसवाल ने माउंट एवरेस्ट के 15 दिन के अंदर माउंट मकालू पर सफल आरोहण कर नेशनल रिकॉर्ड बनाया है। उनकी सफलता से क्षेत्र में खुशी की लहर है। उत्तराखंड के छावनी क्षेत्र के लोगों के लिए राहत की खबर है। इन क्षेत्रों के सैनिकों, पूर्व सैनिकों और अन्य लोगों को भूमि संबंधी मामलों के लिए अब मेरठ और बरेली के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। केंद्र सरकार ने राज्य में 2 रक्षा संपदा कार्यालय खोलने को मंजूरी दी है। रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट के मुताबिक देहरादून में रक्षा संपदा कार्यालय खुलेगा, जबकि रानीखेत में उप रक्षा संपदा कार्यालय खोला जाएगा। पिछले दिनों पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या के मामले में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का नाम सामने आ रहा है। वर्तमान में बिश्नोई अजमेर जेल में बंद है, लेकिन उसके गिरोह के कई शार्प शूटरों के उत्तराखंड में सक्रिय होने की आशंका है। डीआईजी नीलेश आनंद भरने ने बताया कि पुलिस सभी गतिविधियों पर निगाह रखे हुए है, पुलिस विभाग भी सतर्क हो गया है। उत्तराखंड सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारी, पेंशनर्स, निकाय, निगम, अशासकीय स्कूल और कॉलेज में कार्यरत सभी नियमित कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 3% बढ़ा दिया है। इससे कर्मचारियों के प्रतिमाह के वेतन में 1000 से लेकर 6 रुपए तक का इजाफा होगा। उत्तराखंड में आधार कार्ड की तरह ही हेल्थ आईडी कार्ड को लेकर कवायद शुरू हो गई है, जिसमें मरीज के स्वास्थ्य का पूरा ब्यौरा होगा। जब भी कोई मरीज इलाज के लिए अस्पताल जाएगा तो हेल्थ कार्ड नंबर से डॉक्टरों से पूर्व में हुई बीमारी और इलाज के बारे में जान सकेंगे, ताकि बेहतर इलाज दिया जा सके। तो फिलहाल उत्तराखंड बुलेटिन में बस इतना ही, बाकी की खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जेजेएन न्यूज़।